हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मिस्टर एंड मिसेस बनिया चैनल पर। मैं आयुषी। मैं हूं भास्कर। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एनिमे वॉर एपिसोड 1। सो इसका जो नाम है वो है राइज ऑफ द इविल गॉड। सो ये जो वीडियो है हमने उठाई है डंडर भाई के चैनल से। सो इसका जो लिंक है आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में बता देता हूँ कि व्लॉग पे भी काम चल रहा है, कॉमिक ऑन का व्लॉग। कौन एक्साइटेड है व्लॉग के लिए वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम भी तो देखे, हाँ यार व्लॉगिंग देखना चाहते हो या नहीं। इतनी जानकारी अभी के लिए ठीक है, बाकी इनको देखना शुरू करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये एपिसोड तुम लोग देख भी पाओगे कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि इसको अपलोड करूं, बाकी पता नहीं। तो वीडियो को करते हैं चालू। तो देखना चालू करते हैं, बट उससे पहले बता देता हूँ कि ये लास्ट सीजन लिखा हुआ आ रहा है। मुझे नहीं पता ये लास्ट सीजन की क्या बकचोदी है, वो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना। क्या पता इससे पहले भी कुछ ऐसा हो जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा, तो बताना, उसको भी ट्राई करेंगे। पहले इसको कम्प्लीट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज चल रही है मेरे चैनल पे, तो हमें उनको भी कम्प्लीट तो करना पड़ेगा ना यार, ऐसा तो है नहीं कि बीच में से छोड़ देंगे। ठीक है चलो। ये तो गोकू है ना, यूनिवर्स डिस्ट्रॉयर। 20 टाइम का ओके, फाइनल कामे हमे हम सारे एक ही बारी में मार रहे थे। ओ भाई साहब, क्या घमासान युद्ध हो रहा, देख रहे हो? तेरा गोकू, वो ब्लैक गोकू लग रहा था। कायोकेन, ओह कायोकेन 1000 भाई। ओ इम्पॉसिबल, ये ब्लैक गोकू है शायद, हम मुझे लगा इतना पावरफुल है यार भाई, पूरा ब्रह्मांड हिला दिया इन लोगों ने। तो यहाँ रोकने के लिए थोड़ी माफी चाहता हूँ, तो मैं थोड़ी सी एक स्टोरी बताना भूल गया था जो जस्ट मुझे अभी याद आई है। ये वीडियो मास्टर मीडिया के चैनल की है, तो उसके चैनल से डिलीट हो गई थी पता नहीं किसी वजह से, तो ये किसी और के चैनल पे पड़ी हुई है, बट ये ओरिजिनल वीडियो मास्टर मीडिया की मुझे ऐसा लगता है। ये बात तो मैं पता नहीं भूल गया था, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी जो भी बात हो मुझे बता देना, अब कर रहे हैं चालू। बीच में रोकने के लिए सॉरी, लाइक नहीं करना तुम लोग, मैं अब नहीं जा रहा भाई, मैं रोकूंगा, मैं चालू ही नहीं कर रहा। पहले लाइक ठोको फिर वीडियो चले। हाँ कर दिया, चलो ठीक है। ओ भाई साहब, ये ड्रैगन मार दिया भाई इसने, क्या बोलते हैं इसको। ये साइतमा है ना शायद, ये ब्लैक गोकू है, बहुत पावरफुल है भाई। सायतमा और गोकू ना दोनों मिलके मार रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी भी हालत खराब हो रही है। बिंग बैश ड्रैगन फिश, उसका ड्रैगन आ गया भाई। नाकामा स्टोरी स्क्रीन, इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे। ये तो नारुतो है, नारुतो। इन्होंने कोई पोर्टल वोर्टल खोल दिया। उल ये पोर्टल से तेरे को कुछ याद आया? किसी दोनों लोगों में, हमने जब वो गोकू और साइतामा वाली फाइट देखी थी, तो उसके आखिरी में जब उनकी फाइट होकर खत्म हुई थी, तो ये ऐसे ही करके कुछ खोला था। तो मुझे लगता है कि जब ब्लैक गोकू आ गया होगा इसमें से, अब इनकी ब्लैक गोकू से लड़ाई हो गई है, तो मुझे लग रहा है दोबारा खोला और कुछ और आने वाला है, जैसे कि, तो मुझे लगता है कि कोई इविल गॉड आने वाले हैं। साइड में टूट गया भाई, और ये लोग भी देख पा रहे हैं। ये देखो, ये इकाशी कुछ नाम है ना इसका, ये देखो इसको भी दिख रहा है। सारे यूनिवर्सिस मुझे लग रहा है एक हो गए भाई। ये तो वो है, अब नाम भूल जाता हूँ इनका मैं।
ये लफी है ना, लफी ये कौन है भाई लोग, सही लग रहे ना ये भी, यही है एविल गॉड्स मुझे लग रहा है, यही होंगे और क्या। आ गए इनके उसमें, आ गए इनके यूनिवर्स में, आ गए भाई। यही होंगे एविल गॉड्स पांच, ये सारे एविल गॉड ही लग रहे हैं मुझे, ये पांच है, ये तो पीरस जैसा लग रहा है। देखो ये बू जैसा लग रहा है, मस्त है लेकिन करेक्टर, ये तो गजब ही लग रहा है भाई, इतना बढ़िया बनावट देख रहा भाई की। ये लीडर लग रहा है इनका शायद, हेड लग रहा है, ये लोग तो वैसे ही हारे हुए हैं, इतने थके हुए हैं। बताना मुझे, वैसे तो मुझे देखे हुए तो है लेकिन नाम भूल जाता हूँ। ये देखो गोहान, इचिगो, वेजिटा, नारुतो, पिक्कोलो, पिक्कोलो, ट्रंक्स, साइतामा, लफ्फी का मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल उसकी सुपर पावर क्या है, तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि लफ्फी को मैंने एक दो बार ना मतलब ऐसे ही रैंडमली देखा है, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। और इन सब करेक्टर से हम कल कॉमिक कॉन में मिलके भी आए थे, वो भी तुम्हें जल्दी मिलेगा, उस पर काम चल रहा है, मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं। ओमनी फॉर्म की डबल वाली लेयर आ रखी है उसके पास भाई, ये देखो क्रिएटर प्रोड्यूसर एनिमेटेड बाय मास्टर, ठीक है यही बोल रहा था मैं, वेजिटा कैसे गिरा पड़ा। ये मुझे लग रहा है बेहोश हो गया होगा फाइट में, अभी उठा है फाइट से, उठा ये हाँ। बीरस ने कैसे देखा ना ऐसे करके, गोल्ड डिस्ट्रक्शन बीरस, ये बहुत तगड़ा बंदा है, ये भी मजाक मत लिए उसको बीरस, हाँ बीरस बहुत खतरनाक आदमी है, एक टाइम पे इसने गोकू की और वेजिता की हालत खराब कर दी थी, वेजिता तो खैर हार ही जाता हमेशा ही। यू वर किल्ड, सुपर सैयन वाइट, अच्छा जिससे रिवाइव भी कर सकते हैं, हाँ तभी इसने रिवाइव कर दिया, छिड़ता ही रहता भाई। टकलू भाई वो भी आपकी बातचीत खत्म कर, अच्छा हाँ इसने मारा था, तो जी शक्ल बना रहे ना तरे आनो क्सो गा किमेगा, इसके पसीने छूट रहे हैं, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। अरे भाई यार वेजिटा ने यार किया ही थे ना, हम मार्केट में उसको कुछ असर भी नहीं हुआ उसको, टेक अ लुक ओवर देयर, ये पांच बंदे हैं ना, एक दो तीन चार पांच, हाँ पांच बंदे हैं भाई, देखते हैं भाई क्या है ये बंदों से मैं पहली बार मिला हूँ, मैंने कभी देखा नहीं इनको, ये क्या लेस क्यों रहा दूसरे वाला भाई, कितने मस्त मस्त करेक्टर लग रहे हैं ये एनीमे, ये भी सही लग रहा ना, सारी मस्त लग रहे हैं यार, ये इनका लीडर ही है।
ये लीडर है पक्का। ये इनका लीडर ही है, ये हेड है। ओरे वा ओमाई नी टस्केते मोराउ की नादो नाई, उदे ओ आगेते देनाओ शिते कोई। वाकाई ना, ओमाई नारा सुगु नी ओरे ओ कोएरु दारो। क्या एंट्री है? These guys are incredibly strong. वही तो पहले ही हारे हुए हैं, कैसे हारेंगे? ओमाई शिदाई तो, सोले वा वाशी मो होम। इवा नो वा योकाता। होंटो नी ओरे का? माने हैं लोगो। この街で最高の冒険者であり、魔法を連れ戻すことのできる唯一の冒険者。डीमन टेल में रखे प्रिपेयर करा है। सेबस, सेबस। सेट द अदर लाइफ ऑन एंटरिंग द रेड जोन अवर एरिया। वाओ। नक सेशन शूटिंग できる だろうか? よくわかんない。おめえは失敗したんだ。हाँ वही तो। ये मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है ये ना सारे लोग ना पहले से प्रिपेयर कर रहे थे कि कुछ ऐसा होने वाला है, उसका इंतजार कर रहे थे उसको करने के लिए। क्या क्या काम करने ये पहले से प्रिपेयर थे। हाँ, और इनके पास उसको काम बांट रहा है इनका हेड। हाँ, और मुझे लगता है इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर है जो कि हमें आगे देखने को मिलेगी। बट उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर लेना और वीडियो को कर देना लाइक। ठीक है, लाइक जितने ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा कमेंट करोगे ना तुम लोग, मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, जिस चीज पे तुम लोगों को ज्यादा ज्यादा मजा आएगा, बोलने से नहीं, तुम्हारी सारी चीजें दिखनी चाहिए, लाइक उस पर ऑटोमेटिकली ज्यादा आने चाहिए, कमेंट भी अच्छे आने चाहिए, व्यूज भी आने चाहिए, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो वाली सीरीज ज्यादा लेके आऊंगा। मेयर, ये मेयर है इसका नाम। यू आर टू विद मी, इतना कॉन्फिडेंट भाई। व्हाट इज दिस मैजिक? अच्छा ये पिकोलो और वो आ गया ना, गोहान सेंजू दा, पिकोलो और गोहान। हाँ, द सेंजू क्विक, सेंजू भी जिससे पावर उसी आ जाती है, पावर बढ़ जाती है, नॉर्मल हो जाता है ना सब कुछ, पूरा कवर हो जाएगा। उसको नहीं पता ना टाइटल को, कैसे पता होगा। हाँ हेलो, एनर्जी गेन हो जाएगी। हाय किकेटा, पिकोलो よく来てくれたな। इतनी तेज काम करता है। भी भी चाहिए। हम तो नहीं हक के लिए यहाँ तो है। Whenever I lose my power. गाइस हम ना कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको खाना है, पता नहीं क्यों खाना है, देखते देखते खाना है, हम एंजॉय लेना चाहते हैं पूरा, हम चाहते हैं कि आप लोग भी एंजॉय करें। तो अब हम खाएंगे टॉफी। हाँ, ये कुछ कैंडी है अलग तरीके की। व्हिच फ्लेवर यू वांट? ये मैं ऑरेंज खा रहा हूँ। लीची। यो कि अब तरागो हाँ। ओह। देखो कितना चौड़ा लग रहा है। गुहान भी कुछ पावर लेके आया है। जान ना तमी ताई देना है। अक्की इत्तरा दो दे। もしかしておめえも精神と時の部屋に入ったんか？そうか。では見せてもらおう。おめえをスーパーサイヤ人にする。気を抜くな、ごはん。落ち着かねえ気分を消すことから始める。レーズモード、ミスティックフォース。まずはスーパーサイヤ人になった時の。その後、基本的な修行からやり直そう。ティーフォースパワー、バイ。なかなかやるな。行くぞ。भाई क्या लग रहा है यार, अरे भाई साहब तो ज्यादा हो गए, तो गोकू मिल गया। हनक्सो होजिर चिकन। सायो नो शिसुमन दा किसामा ना वाजा वाजा मिराई करा किता रियू वा नान दा। इसकी जड़ती रहती है भाई। किसको है किलस रहा है? गोहान में हस्त हो गया भाई। मत शिग्यो चुन्दे कोई हो। सरप्राइज द वाइल्डर एक्सपेडिशन। होता है।
और ट्रंक भी आ गया मुझे लग रहा है। हेलो ट्रंक भी आ गया भाई। इसका नहीं पता मुझे, ये कुछ करता भी है कि नहीं पता नहीं भाई। चलो फाइट होने वाली है फाइनली। धीरज मार तो बहुत तगड़ा रहा है भाई इनको। वो तो हंस रहा है। उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। पावर दिखाएगा अपनी, अभी ये दिखाएगा पावर। और को जिन सोरे वा आयाशी ने। क्या मारा हकाई? अरे हाँ तो भाई, भाई क्या कर रहा है ये? गायब कर दिया उसको। चलो एक तो निपट गया भाई। अभी भी कुछ नहीं हुआ। यू चोना को तो इतर भाई का आइस का मके तरा। अरे सरप्राइज वी हैव ट्रेंड्स ऑन डाउट टेक्निक वन वन। वाह それはどれぐらいだ。さあ戦うぞ。バイストーム。皆さんにしてはこの程度、軽くこなせるように。ゴーキンダーヒューマンズ。人間の命とどっちが大事かという。悪かったね。アーボリン。あ、じゃあ、イエンゼルが。ラートギー、ラッテ、ラッテ。ウダーがデザインで、ビハンペポンチャーディアムズ、ラッテ、ドゥスレイ、ウスカ。अच्छा ये इस चरण में आया है। ये से बढ़ने आया है। इसकी पावर भी मैंने पूरी तरीके से देखी नहीं है। क्या है भाई? इचिगो चाइना सड़ा है। वाह अते इचिगो मदो वरंसो ने ना सोरे दागे का ओसान नरा कनराज ओरे ओ ओरे नो चिकारा ओ उके तोमेते कुरे कोइट्स ओ मीते करा मो इच्छ तो ये ओए। उन्हें मारा तो बहुत पावर से, लेकिन उन्हें अपने हाथ से रोक लिया भाई। डर रहा हूँ चाइस। ये पावरफुल तो इचिगो भी है, लेकिन एक ही लात में घुस गया भाई। तो जाकर भाई ये बहुत पावरफुल है भाई सही में। व्हाट अ वीकलिंग। ये यार लड़ रहे हैं। यहाँ देखो खड़े होके मजे मार रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में आतंक आ गया। ये देख रहा है गोकू ध्यान से क्या हो रहा है। उनकी भी फाइट सही हो रही है भाई। धीरज के साथ लड़ रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है। वही तो साइतमा की भी हालत खराब हो रही है। उसका मुंह खुला कर खुला रह गया। वो मार तो पाया है।
पीरस पता है उसको मार तो पा रहा है और बहुत जान से मार रहा है, बहुत तेज भी मार रहा है, लेकिन उस साले पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, कोई असर नहीं हो रहा उसे, उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा भाई। कुछ ना कुछ पावर है जो कि मतलब उस पर असर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या ही सीन है, जबकि वो भी पावरफुल है और बहुत आराम से लड़ लेता है, मार लेता है वो भी। おや、いいこと言ってくれるじゃないか。では望み通りに。ああ、ウィートもキャラ。お前、生意気。やつを出せ。I'm gaining on you? अबे यार आधी आधी फाइट दिखा के हटा देते हैं यार। ये नारुतो यहाँ लड़ रहा है देखो, मतलब हर एनिमी की किसी न किसी एनिमी के साथ लड़ाई हो रही है। इसमें आप लोगों को शॉर्ट में दिखाया गया कि इससे इसकी फाइट हो रही है, उसके उससे फाइट हो रही है। अबे आगे भी दिखाएंगे इसके एपिसोड, इसके बहुत सारे और भी एपिसोड हैं गाइस। अगर ऐसी एपिसोड्स आप लोगों को और भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज के बाद हम नहीं बनाएंगे, अगर आप लोगों की डिमांड नहीं होगी तो इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए। लेट्स सी, ये यहाँ पे आ गया सासुके भी आया भाई। इसकी आंख देखो भाई, देखो मैं तुम्हें क्या क्लियर बताता हूँ कि मैंने टाइटमा और गोकू देखे हैं तो उनके पावर लेवल्स मुझे पता है, पर नारुतो के, इचिगो के और ये सासुके के मुझे पावर लेवल नहीं पता, ना लफी के, नहीं पता मुझे, तो मैं थोड़ा जज कम कर पाऊंगा, बट धीरे धीरे जैसे हम देखना चालू कर देंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा, हाँ। हाँ। वाह, वो खुद ही बोल रहा है। लफी आ गया भाई, लूफी बोलते हैं, लफी बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। ये आ गया भाई, ट्यून मस्त है ना। पूरा मुंह फाड़ के, ये कैसा लग रहा है ना मरियल सा भाई। बीरस देखो मार अभी भी पा रहा, उसको लग भी रही है लेकिन असर नहीं हो रहा उसको कुछ यार, उसको कुछ असर नहीं हो रहा बस। सब कोई ऐसा बॉडी पार्ट होगा जिसमें इसको लगेगी तो ये मरेगा। मेरे को कितनी थक भी गया इस बार, ये कुछ तो गड़बड़ है भैया। ओए कामी नो चिकारा ओ मिनिस्केते नाओ ओए नी इको तो यू नो का भाई, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई यहाँ पे। ओए शायद हमारे एक पंच दिया था, वो कहाँ जाके गिरा वो। फिर वो खुंदक खा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये देखो माय पावर इज बीइंग ड्रेन्ड क्विकली। मुझे लग रहा है वो दोनों साथ में। यू ऑल माइट वांट टू नो समथिंग, तो अगर इन तक बी के फोकस है लड़ेंगे भाई, इससे मुझे लगता है। ओए ओए ये
ओमनी वर्सन आर्क यही हमें शुरुआत में देखने को मिला था ना सर, यही सीन था भाई। स्टार्टिंग वाला सीन रिपीट हुआ है। उई अबे यार एपिसोड 2 का इंतजार करने पड़ेगा हमें। अरे यार अबे यार हो गया यार ये। तो आप लोगों ने देखा ये एनिमे वॉर का जो एपिसोड 1 था, इसमें ऑलमोस्ट जितने भी एनिमे थे उन लोगों की आपस में फाइट दिखाई है, कुछ तो मतलब ऑलमोस्ट सारे टक्कर के ही है, थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाई है। तो आगे ऐसी और भी क्लिप देखने के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप कर सकते हैं। तो गाइस ये देख के मजा आ गया, और मैंने तुमसे बताया था ना कि कोई गड़बड़ है इसमें, तो इसमें कोई गड़बड़ थी। मुझे लगता है कि सामने वाले जो गॉड्स हैं वो इनसे लड़के इनकी पावर को चुरा रहे हैं ताकि वो जल्दी वीक हो जाए और उनकी पावर बढ़ जाए। तो मतलब जो बेसिकली जो एक्चुअल में हम लोग अपने फेवरेट एनिमेस देखते हैं, तो इनकी पावर जब खत्म हो जाएगी तो नेचुरल बात ही हार भी सकते हैं। फिर मिलते हैं तुमसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।